अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्पेंडिंग अ क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली एट होम। यू मस्ट फॉलो ऑल दिस इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क। यू शुड डू वर्क इन योर कॉपीज, राइट अ डेट ऑन योर पेज। First letter should be capital. Use finger space between the words. Bismillahirrahmanirrahim. ये आपका assignment of computer है class 4 का। मंथ ऑफ अगस्त का चैप्टर है हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस। लास्ट वीडियो में माह अगस्त का ये हमारे पास चैप्टर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था। मैं आपको इस चैप्टर का कुछ रिव्यू देती हूँ ताकि आपके माइंड में दोबारा से चीज़ रिवाइंड हो जाए कि इस चैप्टर में क्या था और हमने किसके बारे में पढ़ा था। चैप्टर का नाउ ओपन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 के ऊपर ये चैप्टर दिया गया है, माह अगस्त का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है कंप्यूटर डिवाइसेस। इसके अंदर हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले कंप्यूटर को डिवाइड किया है हमें 4 टाइप्स के अंदर, जिसके अंदर 4 टाइप्स कौन कौन सी थी, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। और मैंने इनके बारे में भी आपको बताया था कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनको हम लोग देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो वो चीज़, वो इक्विपमेंट जिसको हम देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो वो इक्विपमेंट हमारा इनपुट डिवाइसेस कहलाएगा। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस से मुराद वो वर्क जो हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं और वो मॉनिटर के अंदर शो होता है हमारे पास, वो वर्क प्रोसेस करता है। देन आउटपुट डिवाइसेस, और वो वर्क प्रोसेस करने के बाद हमारे पास आउटपुट की शक्ल में हमारे हाथ में आता है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। इनपुट डिवाइस से मुराद वो चीज़ जिसको हम जो है ना देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। मैंने थोड़ा सा ज़रा जो है ना कन्फ्यूजन हो गई। इनपुट डिवाइस से मुराद वो चीज़ जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एग्जांपल के मॉनिटर के अंदर हमने काम किया, जो भी वर्क हमने टाइप किया वो सब मॉनिटर की स्क्रीन पे होता है, हम उसको स्क्रीन पे टच कर रहे हैं। जो अंदर काम लिखा हुआ है हम उसको टच नहीं कर सकते। तो वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं और टच नहीं कर सकते वो इनपुट, और वो चीज़ जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं वो आउटपुट डिवाइस आएगा। ठीक है, देन हमारे पास दिया गया है स्टोरेज डिवाइसेस दी गई हैं। कंप्यूटर की बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर हमारे पास यूएसबी आएगी, मेमोरी कार्ड है और बहुत सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं कंप्यूटर की। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस आती हैं, कीबोर्ड आता है, फिर हमारे पास कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट कीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर माउस है हमारे पास, फिर माउस के डिफरेंट फंक्शन के बारे में हमने रीड किया है, उसके बाद जॉयस्टिक, स्कैनर, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन। ये हमारे पास डिफरेंट हेडिंग्स थी जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर डीपली एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको ये बताऊँगी कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से वर्क कंप्लीट करने हैं। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर रीड करने के बाद सिर्फ ट्रू फॉल्स का पेज मैंने आपको दिया था, आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स अपनी कॉपी में उतार ली होंगी। अब जो है ना, इस ट्रू फॉल के बाद कौन कौन सा काम करना है मैं आपको बता देती हूँ। मंथ ऑफ अगस्त का हमारे पास ये वर्क है, चैप्टर का नेम है कंप्यूटर डिवाइसेस। फर्स्ट पे आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है जो बॉक्स के अंदर हमें एज अ क्लू के तौर पर दी हुई हैं. नंबर थर्ड के ऊपर ट्रू फॉल है जो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. उसके बाद नंबर फोर के ऊपर ड्रॉ और डायग्राम कीबोर्ड, कीबोर्ड की आपने डायग्राम बनानी है. अब सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं कि कौन कौन सा सवाल आपने कंप्लीट करना है. मैं सवाल रीड करूंगी और उसके साथ ही उसका आंसर भी रीड करूंगी. सब बच्चे बी केयरफुली देखिएगा और फिर उसे नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा. नाउ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर डिवाइसेस. व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर डिवाइसेस. द आंसर इज वी यूज कंप्यूटर डिवाइसेस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर. आंसर दोबारा रीड कर रही हूँ, सुन लीजिएगा. वी यूज कंप्यूटर डिवाइसेस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क. एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस आर यूज टू फीड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज नेम एनी टू टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस. द आंसर इज एनी टू टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड नंबर टू माउस. आंसर दोबारा रिपीट कर रही हूँ. एनी टू टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस इज कीबोर्ड एंड माउस. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग कीज. नंबर वन अल्फाबेट कीज, न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज. हमें जो है वो ये कीबोर्ड की कीज हैं जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर डीपली एक्सप्लेन किया है. इन कीज को आपने छोटा सा एज अ डेफिनेशन के तौर पर एक्सप्लेन करना है. नाउ फर्स्ट है हमारे पास अल्फाबेट की. द की ऑन विच लेटर्स लाइक ए बी सी आर प्रिंटेड आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज. देयर आर 26 कीज ऑन अ कीबोर्ड. इससे इस डेफिनेशन से मुराद है कि वो कीबोर्ड के कीज जहाँ पर ए बी सी के लेटर्स शो होते हैं वो पूरी जगह, वो पूरा ग्रुप हमारे पास अल्फाबेट कीज का ग्रुप कहलाता है. और हमारे पास अल्फाबेट्स कितने हैं, 26 अल्फाबेट्स हमारे पास मौजूद हैं. देन नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज स्पेशल कीज. स्पेशल कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. दीज कीज आर स्प्रेड ओवर द होल कीबोर्ड. स्पेशल कीज कौन सी होती हैं, स्पेशल कीज आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेशल कीज जो है वो परफॉर्म करती हैं डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन. अब स्पेशल कीज की यहाँ पे एग्जांपल नहीं है लेकिन मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि कौन कौन सी होती हैं. आपने कीबोर्ड में देखा होगा शिफ्ट, इंटर, कैप्स लॉक, फिर हमारे पास ALT के नाम से आता है या CLT के नाम से कीज होती है. ये और विंडोज़ की बनी हुई होती है. तो ये डिफरेंट जितनी भी कीज होती हैं ये पूरे कीबोर्ड में स्प्रेड हुई होती है. स्प्रेड से मुराद पूरे कीबोर्ड में फैली हुई होती हैं और इसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं. नेक्स्ट हमें दिया गया है फंक्शन कीज. दीज कीज ऑन विच F1, F2, F3 एक्सेट्रा आर प्रिंटेड. दीज कीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप. ये हमारे पास कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर F12 तक की जितनी कीज होती हैं ये हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं. दीज कीज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. ये जितनी भी कीज होती हैं परफॉर्म करती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से.
नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिविंग इन द बॉक्स। ये हमें छोटा सा बॉक्स बना के दिया गया है जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं, इस वर्ड को देखकर आपने फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करना है। नाउ बॉक्स के अंदर फर्स्ट वर्ड दिया गया है इंस्ट्रक्शन, बैक स्पेस की, कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक एक वर्ड है ये नीचे आ गया ठीक है, कैप्स लॉक, फोर और एटीएम, ये हमें फाइव वर्ड्स दिए गए हैं, फाइव ही फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं। आपने वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक को देखकर वर्ड अंदर फिल करना है। नाउ फिल इन द ब्लैंक नंबर वन इज कंप्यूटर हैव डैश पार्ट्स, कौन सा वर्ड आएगा, कंप्यूटर हैव फोर पार्ट्स। नंबर टू, अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन विदाउट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, नंबर टू में क्या आएगा, इंस्ट्रक्शन। नाउ नंबर थर्ड इज कैपिटल लेटर्स आर टाइप्ड व्हेन डैश इज ऑन, कैपिटल लेटर हम कब टाइप करते हैं, जब कौन सी की ऑन होती है, कैप्स लॉक की ठीक है। नाउ नंबर फोर इज डैश इज प्लेस्ड अबव द इंटर की ऑन द कीबोर्ड, बैक स्पेस की, क्या आप क्या आएगा यहाँ पर, बैक स्पेस की इज प्लेस्ड अबव द इंटर की ऑन द कीबोर्ड। नंबर फाइव इज टच स्क्रीन इज कॉमनली यूज्ड इन एटीएम, या आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स थी जो आपको बुक के पेज नंबर 21 के ऊपर भी दी गई हैं, जिसमें से मैंने आपको फाइव सॉल्व करवाई हैं, या आपने अपनी कॉपी के अंदर सॉल्व करनी है। जिसके बाद ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इससे पहले वाली वीडियोस में मैं आपको ट्रू फॉल कंप्लीट करवा चुकी हूँ, दोबारा आपने नहीं करनी। फिर यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है ड्रॉ अ कीबोर्ड एंड कलर इट, यहाँ पर आपने कीबोर्ड की बहुत अच्छी सी डायग्राम बनानी है चैप्टर के बाद ठीक है, और फिर और जो है ना उसके अंदर आपने अच्छा सा कलर करना है। अब मैं आपको सीक्वेंस बता देती हूँ कि किस तरीके से काम करना है, पहले मंथ ऑफ अगस्त की हेडिंग लगाई जाएगी, फिर आपके पास चैप्टर की हेडिंग आएगी, चैप्टर का नेम है कंप्यूटर डिवाइसेस, फिर आपने ट्रू फॉल्स सबसे पहले सॉल्व करेंगी, ट्रू फॉल्स के बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आंसर के बाद फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करनी है, और फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने के बाद आपने जो है वो डायग्राम बनानी है बहुत ही अच्छी सी। अगर आप लोग चाहें अपने वर्क को अच्छा करने के लिए तो आप यहाँ पे कंप्यूटर पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं कॉपी के अंदर, उसके अंदर आप अपनी कीबोर्ड की डायग्राम बना लें, और नहीं तो आप अपनी कॉपी के पेज के ऊपर भी अच्छी सी डायग्राम बना सकते हैं। ये तमाम काम आपने अपनी कॉपी के अंदर, कंप्यूटर की कॉपी के अंदर मुकम्मल करना है बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ। और आपको अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई, कुछ भी इशू है, कोई भी बात समझ में ना आई, तो आप जो है वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर किसी से कोई भी वीडियोस मिसिंग हो गई हो तो काइंडली यूट्यूब के ऊपर जाकर मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल सर्च में जाके अपने स्कूल का नाम लिखेंगे मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल, फिर उसके बाद आपका स्कूल का लोगो शो होगा, आप उस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगी तो आपके स्कूल का यूट्यूब का पेज ओपन हो जाएगा ठीक है। फिर उस पेज को ओपन करने के बाद आपके पास डिफरेंट वीडियोस शो होंगी, फिर ऊपर एक टॉप के ऊपर एक कॉलम शो होगा जिसके ऊपर डिफरेंट नेम लिखे होंगे, आपने वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंट जो है ना क्लासेस के नेम लिखे होंगे, वन से लेकर मैट्रिक तक क्लासेस के नेम लिखे होंगे, आपने अपनी क्लास को चॉइस करना है, आपकी क्लास है फोर तो आप फोर के ऊपर क्लिक करेंगी तो फोर क्लास की जितनी भी वीडियोस शुरू से लेकर अब तक आई हैं तो वो सारी वीडियोस आपके पास शो हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि
इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आपको पढ़ाया, जो भी कुछ समझाया, वो आपको समझ आ गया होगा। ये चैप्टर आपको बहुत ही डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना कि इस क्लास में बल्कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग इंक्रीज होंगे, न्यू स्टैंडर्ड में जाएंगे, न्यू क्लास में जाएंगे, तो वो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आपको चैप्टर में जो भी कुछ समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो भी केयरफुली देखिएगा, समझिएगा। आप खुद अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अपना काम अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है, बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग के साथ। अपने घरों में सेफ रहिए, खुश रहिए। मेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।